नमस्कार, आज का विषय है मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक इन इलेक्ट्रिफाइड एरियाज, यानी कि इलेक्ट्रिफाइड एरियाज में ट्रैक का मेंटेनेंस करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इनसे संबंधित हम सवालों के बारे में चर्चा करेंगे जो एमसीक्यू के फॉर्मेट्स में होंगे। सो बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है, ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एवरी पावर लाइन और केबल सेल बी रिगार्डेड एज बींग डैश ऑल एट ऑल द टाइम्स। यानी कि जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं, कोई भी पावर लाइन है या केबल है, इन्हें हमेशा हमें किस रूप में समझना चाहिए, एक्टिव, नॉट लाइव या लाइव, या इनमें से कोई भी, या ऑल ऑफ द अबव। इसका सही जवाब है लाइव। हमें किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को, चाहे हमें पता हो या नहीं हो, या सभी पावर लाइन को या केबल को, हमेशा लाइव ट्रीट करना है और उसके साथ उसी प्रकार के प्रिकॉशनरी बिहेवियर्स हमें करने हैं। क्वेश्चन नंबर टू, इन इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन वर्क शैल बी कमेंस्ड एडजेसेंट टू एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑन अथॉरिटी इशूड इन राइटिंग बाई अ कॉम्पिटेंट ऑफिशियल ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट टू द इफेक्ट दैट द इक्विपमेंट हैज बीन मेड एंड द राइट आंसर इज डेड और अर्देन जस्मिन की बोथ ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन डिफेक्ट्स इन द ओवर एड इक्विपमेंट दैट आर लाइकली टू काउज डैमेज टू पैंटोग्राफ ऑफ ट्रेन आर नोटिस्ड एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू स्टेशन मास्टर और सिग्नल मैन टू इनेबल देम टू इशू कॉशन ऑर्डर, इंजीनियरिंग स्टाफ को क्या करना चाहिए। सो द राइट आंसर इज प्रोटेक्ट द लाइन एज पर जीआर। क्वेश्चन नंबर फोर, इन इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू फॉर द ट्रैक्शन बॉन्ड्स एंड द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन इज ऑल ऑफ द अबव। क्रॉस बॉन्ड, लॉन्गिट्यूडनल रेल बॉन्ड और स्ट्रक्चरल बॉन्ड, इनमें सभी ये ट्रैक्शन बॉन्ड कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, इन इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन क्रॉस बॉन्ड्स आर नोन एज। क्रॉस बॉन्ड को हमें किस नाम से जाना जाता है और इसका सही जवाब है ट्रांसवर्स बॉन्ड। एनी होल ड्रिल्ड इन द रेल फॉर प्रोवाइडिंग ओएचई बॉन्ड शुड बी एट डैश ऑफ द रेल एंड चैम्फर्ड इन इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन। ड्रिलिंग हमें कहां पर करनी है, तो इसका सही जवाब है न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस पर ड्रिलिंग की जाती है। नो वर्क शैल बी डन विद इन अ डिस्टेंस ऑफ डैश मीटर्स फ्रॉम द लाइव पार्ट्स ऑफ द ओएचई विदाउट अ परमिट टू वर्क। इसका सही जवाब है 2 मीटर। इन नो वर्क शैल बी डन विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द लाइव पार्ट्स ऑफ द ओएचई विदाउट अ परमिट टू वर्क। The next question is, no part of the tree shall be nearer than dash meter from the nearest live conductor electrified section. यानी किसी भी पेड़ पौधे का कोई भी हिस्सा लाइव कंडक्टर से कम कितनी दूर होना चाहिए, यानी उससे कम दूरी पर नहीं होना चाहिए, एंड दैट इज 4 मीटर। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर होलसेल कटिंग ऑफ ट्रीज दैट इज कटिंग ऑफ ट्रीज ट्रंक विल रेस्ट विद Which department in electrified section? And the right answer is engineering department. In case of dispute, the decision whether to cut or trim a tree in electrified section shall be taken through a joint inspection of DAS and electrical officer. And the right answer for this question is engineering department. The expenditure for cutting or trimming of trees to maintain safe clearance for OHE shall be debited to the revenue grant of which department? And the right answer is TRD department. When unloading rails along track, rails don't touch each other to form a continuous metallic mass of length greater than 10 meters in electrified section. And the right answer is 300 meter.
In electrified sections, permanent bay staff are advised to keep clear of the track and avoid contact with the rails when an electrical halt train is within. And the right answer is 250 meter. In electrified section, in case the fire is on the adjacent to any electrified equipment, the permanent bay official shall make no attempt to extinguish the fire. The permanent bay official shall make no attempt to extinguish the fire. Question number 15. On sanded catch water siding, the rails shall be kept clear of sand for a length of dash meter beyond the section insulators in the overhead lines, and the switch controlling the sanded catch siding shall be kept in the neutral position. And the right answer for this is 21.5 meter. Thanks for watching this video. We will meet you in the next videos.